हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑरेंज लाइन इजाजत दे दी गई है, इसमें सफर करेंगे लाहौरी भी, लाहौर लाहौर है और पंजाब वाले भी और पाकिस्तान वाले भी सफर करेंगे। अदालती सिग्नल पर खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ खुशी से निहाल, कहते हैं पिजारों में सफर करने वाली पीटीआई ने अवामी मंसूबे की राह में रोड़े अटकाए। आज अवामी मफाद के मंसूबे को कामयाबी मिली। ऑरेंज लाइन मंसूबे से अवाम को आलमी मेयार की सफरी सहूलतें मिलेंगी। ऑरेंज लाइन लाहौर की तारीख का महंगा और सबसे जदीद प्रोजेक्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन में रोज 1.5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। 27 किलोमीटर के ट्रैक में 26 स्टेशन और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। 164 अरब की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा 260 अरब तक जा पहुंचा है। सानह बल्दिया का मुबैना मास्टरमाइंड हम्माद सिद्दीकी यूएई से पाकिस्तान मुंतकिल। हाई प्रोफाइल मुलजिम की हवालगी सिफारती चैनल से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के तहत अमल में आई। इंटेलिजेंस हुकाम आज हम्माद सिद्दीकी को अपने साथ लेकर आए। मैंने राणा सनाउल्लाह, तुम्हें भी इंशाल्लाह हम जेल में पहुंचाएंगे, और दूसरा शहबाज शरीफ, ड्रामा शरीफ, आपको जेल के अंदर पहुंचाएंगे, अटियाला के अंदर पहुंचाएंगे, आपको भी और नवाज शरीफ को भी। कप्तान ने खादिम आला पंजाब को जेल पहुंचाने की ठान ली। कहते हैं शहबाज शरीफ और राणा सना को अडियाला जेल पहुंचाकर दम लेंगे। नए पाकिस्तान में इंसाफ होगा और कमजोर के हकूक की हिफाजत की जाएगी। ताहिरुल कादरी बाहर निकले, तहरीक इंसाफ उनके साथ चलेगी। इमरान खान की अवाम को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। दो माह पहले इंतखाबात होने को कोई अपनी फतह समझे तो ये फतह उन्हीं को मुबारक हो। हालात ऐसे ही चलते रहे तो सीपैक मुतासिर हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई से इत्तेहाद करने वाले मौलाना समीउल हक अपने फैसले में आजाद। बानी सरहदगी के बाद एमक्यूएम का पहली बार हैदराबाद में सियासी पावर शो। फारूक सत्तार कहते हैं एमक्यूएम ने छोटा काम कभी नहीं किया। महाजरों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाना पाकिस्तान के कयाम और रुख के मुनाफी है, इससे पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा। सारा गेम एक तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जाती मुफादात की सियासत को कंटिन्यू करने के लिए और मेयरशिप और डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैनशिप हासिल करने के लिए रचाया गया। एमक्यूएम के एमएनए सलमान मुजाहिद बलोच भी कमाल के हो गए। पाकिस्तान हाउस में बैठकर फारूक सत्तार और पार्टी पर वार। एमक्यूएम का साथ देने पर आवाम से माजरत भी कर ली। मुस्तफा कमाल बोले एमक्यूएम पर चाइना कटिंग करके कब्जा किया गया। हैदराबाद जलसे में सिर्फ 2200 कुर्सियां लगाई गई। एमक्यूएम अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज फिर अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज कहती हैं वालिदा की तीसरे कैमोथेरेपी के लिए टेस्ट होंगे।
अमरीकी फैसले ने गजा को आग में झोंक दिया। ट्रंप की आशीर्वाद के बाद इसराइली हुकूमत की मकबूजा बैतुल मकदस पर बमबारी और फायरिंग, दो फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। ट्रंप के फैसले पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत दुनिया भर में एहतजाज। आखिरी दम तक क़िबला अव्वल की हिफाजत का आज़म। के मुल्तान रोड पर वाक टेक्सटाइल मिल में खौफनाक आतिशबाजी, आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए लाहौर, कसूर और उकाड़ा के फायर ब्रिगेड तलब। हट्टा में मजार पर हाजिरी के लिए जाने वालों का सफर आखरत, समुद्री मौजों की नजर, 10 अफराद की नमाज जनाजा मलीर मेमन मस्जिद में अदा। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सिर्फ एक लाश निकाली जा सकी, तादाद 23 हो गई। पुलिस ने कश्ती मालिक समेत 3 अफराद को धर लिया। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की वालिदा और अहलिया से मुलाकात के इंतजाम मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 25 दिसंबर को होने वाली मुलाकात में भारतीय हाई कमीशन का अफसर भी मौजूद होगा। मेयर लंदन सादिक खान का कराची में पड़ाव, बानी पाकिस्तान के मजार पर हाजिर। वजीर आला सिंध से भी मुलाकात की, सादिक खान की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू। कहा लंदन, दिल्ली और लाहौर सबके इकदार मुश्तरक और मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान, एक ही रोज में लगा दी 4.5 रुपए की छलांग। इंटरबैंक ट्रेडिंग में 110 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 108 रुपए 50 पैसे पर मौजूद। अरब अमारात ने पाकिस्तानी काम के हवाले किया, सानहे बल्दिया फैक्ट्री में 250 से ज्यादा मर्द और खवातीन जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए थे। आज की बड़ी खबर है की सानहे बल्दिया में मुलव्वस अम्मा सिद्दीकी को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। अम्मा सिद्दीकी की गिरफ्तारी और पाकिस्तान हवालगी पर बात करते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत पराचा साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, ये बताएगा कि अब हम्माद सिद्दीकी पाकिस्तान आ गया, उम्मीद हो चली है कि अब जल्द ही सानिया बल्दिया के जो मुतासरीन है उनके साथ इंसाफ हो सकेगा। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस है जो जाहिर है, जब से यूएई गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया गया या इंटरपोल के जरिए रब्ता किया गया, वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा था। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, मुजरमों की तबादले का कोई मुआहदा नहीं है। इंटरपोल के जरिए और यूएन का एक कन्वेंशन है अगेंस्ट क्रिमिनल्स, जो ममालिक यूएन के मेंबर हैं वो तावन करते हैं, तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये सारा अमल मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान की एक स्पेशल टीम यूएई गई थी, पाकिस्तान की वजारत दाखिला और यूएई की वजारत दाखिला के दरमियान रबते रहे, जिसके बाद ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। लेकिन जुर्म को फिक्स करना, जुर्म को साबित करना अभी पाकिस्तान की अदालत का काम है। पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा कि 300 के करीब बेगुनाह अफराद मारे गए और जो बेचारे काम करते थे, मजदूर थे, उनके खानदानों को, उनके लवाहिकीन को या उनकी रूहों को कैसे ये हिसाब बराबर किया जाएगा, ये पाकिस्तान की अदालतों में आगे बढ़ेगा काम। शौकत हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रफत, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया है, तो इस अहम खबर से मुतालिक आपके पास क्या अहम खबर है? देखिए, उसमें वही तरीकेकार अपनाया गया है जो उज़ैर बलोच में अपनाया गया था। उज़ैर बलोच को भी यहाँ कराची में एक मुकाम से गिरफ्तारी उसकी जाहिर की थी कि पुलिस ने और रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान उसे कराची के इलाके मौजूद से जो है वो हिरासत में लिया है। इसी तरीके से यकीनन हम्माद सिद्दीकी को सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दिया गया है, वो उनकी तहवील में है। लेकिन फिलहाल जो वजारत दाखिला है और हुकूमती ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो तहवील में है, लिहाजा
किसी भी वक्त उसको जब कराची मुंतकिल किया जाएगा तो यहाँ गिरफ्तारी इसी अंदाज से डाली जाएगी उजैर बलोच की तरह से। और चूंकि उसके अभी एक तफ्तीश का मरहला बाकी है, जब तमाम चीजें उससे तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो यकीनन उसको भी इसी अंदाज से गिरफ्तारी उसकी एक रोज जाएगी। इसी केस में कितने अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं रफत अब तक? देखिए सबसे नुमाया मिसाल तो उजैर बलोच की है कि उजैर बलोच को सारा मामला, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान तहवील मुलजमीन का कोई इस तरह से मुआहदा नहीं है जिसकी वजह से उसे इस तरह से हवाले नहीं किया जा सकता। यकीनन एफआईए हुकाम को माजी में है जो एतमाद में लिया गया था, एफआईए की एक टीम जो है वो उजैर बलोच को हिरासत में लेने के लिए और शाहरुख जतोई जो है उसे हिरासत में लेने के लिए एफआईए की एक टीम गई थी जिसने इंटरपोल हुकाम से वहां रब्ता किया था और उसके जरिए उसकी जो है हवालगी हुई थी। लेकिन इस उजैर बलोच के मामले में जो है लाया तो उसे दुबई से ही गया है, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी गिरफ्तारी उस तरह से जाहिर नहीं की गई, उसकी गिरफ्तारी मुकदमात में कराची में जाहिर की गई। सही है शौकत प्राचा साहब, ये बताएगा कि कितनी आप मुमासलत देख रहे हैं जो उजैर बलोच का केस रफत साहब भी डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है हम्माद सिद्दीकी की, और ये भी बताएंगे अभी करंट इस वक्त सिचुएशन क्या है, जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा तो किसकी हिरासत में बराह रास्त हम्माद सिद्दीकी को रखा जाएगा? इट डिपेंड्स के किस एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर तो ये मर्डर चार्जेस जिस तरह से लगे हुए हैं वो पुलिस के थ्रू, स्पेशल ब्रांच के थ्रू या एफआईए के थ्रू, एफआईए चूंकि इंटरपोल के साथ रब्ता रखती है, हमारी एफआईए में एक बाकायदा इंटरपोल विंग है, एक यानी डेस्क है वहां पर, वो ऑथराइज है इंटरपोल के साथ रब्ता करने के लिए। और अमूमी तौर पर तौकीर सादिक को भी इसी तरह लाया गया था वापस, आपको याद है ये जो गैस के हवाले से 82 अरब रुपीज का जो स्कैंडल था, वही प्रोसेस है बाहर से लाने का। बुनियादी बात यह है कि हमारा कोई यूएई के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं है जिसके तहत वहां गिरफ्तार करके वहीं शो किया जाए, सबको इधर आके शो किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है या फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने करनी है, यकीनन ये एक्सरसाइज की जा रही होगी और फिर जब उसका मंतकी अंजाम आएगा तो फिर देखा जाएगा कि एफआईए करती है, जेआईटी एग्जैक्टली इस वक्त है कहाँ, सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया उसे। देखिए ये मामला तो मैं फिर कहूंगा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं है तो सिफारत खाने के हवाले नहीं किया जाता, सफारत खाने के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, जो अमला होता है वो अगली होस्ट गवर्नमेंट के साथ डील करता है। सफारत खाना है सच, कोई सब जेल भी नहीं है कि वहां पर उसको डिटेन किया जाए। जो इधर से खसूसी टीम गई, वहां यूएई बैठी गई, उस टीम की कस्टडी में ये सारे मुलजमान होते हैं किसी भी मुल्क से जब हम अपने मुजरिम या मुलजिम वापस लाते हैं। सही। अच्छा रफत साहब, अब्दुलरहमान और भोला जो इस केस में गिरफ्तार है उसका ये कहना है कि उसने हम्माद सिद्दीकी के कहने पर ही आग लगाई थी, वहीं से उसको हिदायत मिली थी, तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ओपन एंड शट केस है, 4.5 साल पहले वाकया हुआ था लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं हो सका है मुतासरीन के साथ। देखिए अब्दुलरहमान भोला का मामला ये है कि उसे भी एफआईए की तहवील में रखा गया था और उसने मौजूदगी में जो बयान दिया था वो अदालतों में हो चुका है, उसने तकरीबन जो जेआईटी हुई थी उसमें तमाम मामला से मुताल्लिक जो है अपनी जिम्मेदारी कबूल की है, साथ साथ उसने हम्माद सिद्दीकी के अलावा एक सियासी पार्टी के बाद रहनुमाओं के नाम भी लिए थे जिसके हवाले से तफ्तीश भी की गई, लेकिन बाद रहनुमाओं जिसमें रऊफ सिद्दीकी भी हैं, अनीस कायम खानी भी हैं, उनके नाम निकाले गए क्योंकि उस जेआईटी में तफ्तीश के बाद और इन लोगों को भी तलब किया गया था, तो लिहाजा वो मरहला मुकम्मल हो चुका है, उसी में हम्माद सिद्दीकी का नाम इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन इस मामले को आहिस्ता आहिस्ता सियासी रंग दिया जा रहा है, पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी इस बात को मानने के लिए आमादा नहीं है कि हम्माद सिद्दीकी सारे मामले में मुलव्वस है, उनका ये कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है और इस तरह की बात है। लेकिन इसके अलावा जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके पास, क्योंकि वो कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह थे, खासी अहम मालूमात है उनके पास और यकीनन जब वो सारी मालूमात यकजा हो जाएंगी, तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी दिन उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की तहवील में उससे इस वक्त तफ्तीश का सिलसिला जारी है। ठीक है, आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, शौकत प्राचा साहब आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आप दोनों का। और खबर आज की बड़ी यह है कि कराची के इलाके बल्दिया में फैक्ट्री को जलाए जाने केस के मुबैना मरकजी मुलजिम एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया जो गुज़िश्ता 4 साल से मफरूर था।
तो अब उम्मीद पैदा हो चली है कि सानह बल्दिया के मुतासरीन को इंसाफ मिल जाएगा। साथ ही एक और उम्मीद की किरण भी पैदा हुई है जो पाकिस्तान में तरक्की की जानिब एक और बढ़ता कदम। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये ट्रेन सबसे पहले लाहौर में फराटे भरेगी और किराया भी सस्ता होने से लाहौरियों के मजे आ जाएंगे। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑरेंज लाइन इजाजत दे दी गई है। इसमें सफर करेंगे लाहौरी भी, लाहौर लाहौर है और पंजाब वाले भी और पाकिस्तान वाले भी सफर करेंगे। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तरक्की की जानिब एक और कदम। अब शहर में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन फर्राटे भरेगी। मुल्क के दूसरे शहरों का नंबर बाद में आएगा, पहले लाहौर में ठोकर न्याज बेग से डेरा गुजरा तक ट्रेन चलाई जाएगी। किराया भी मेट्रो बस के करीब तरीन होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 13 स्टेशन बालाए जमीन जबकि 2 जेरे जमीन होंगे। लाहौर में मंसूबे का 73% काम मुकम्मल हो चुका है। कायदे आजम इंटरचेंज के करीब रिंग रोड के ऊपर से ट्रेन गुजारने के लिए पुल तामीर हो चुका है। रेलवे स्टेशन के करीब पुल की तामीर का काम भी 55% मुकम्मल है। पैकेज 1 के 13 किलोमीटर ट्रैक में से 5 किलोमीटर तक पटरी बिछाने का काम और स्टेशन का स्ट्रक्चर भी मुकम्मल किया जा चुका है। अदालत ने भी ऑरेंज लाइन मंसूबे को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देते हुए ट्रेन का रास्ता क्लियर कर दिया। पंजाब हुकूमत को मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी देते हुए तारीख मकामात के तहफ्फुज के लिए 2 खसूसी कमेटियां भी कायम कर दी। आठ माह बाद ऑरेंज लाइन का रास्ता क्लियर, ट्रेन को अदालत का ग्रीन सिग्नल, मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलदम करार दिया और ऑरेंज लाइन मंसूबे को बहाल कर दिया। अदालती फैसले से तेज तरीन ट्रेन लाहौर में चलेगी, ताहम मंसूबे की तकमील के लिए एक मरहला भी बाकी है। अदालत ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील में 31 शराइत रख दी जिसके मुताबिक कौमी विरसे के तहफ्फुज के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं, थरथराहट की जांच के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया जाए, थरथराहट तयशुदा मयार से ज्यादा हुई तो काम रोक दिया जाएगा। मंसूबे के लिए 2 खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गयी जो तमाम रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को 1 अरब रुपए का फंड कायम करने का भी हुक्म सुनाया जिससे 11 तारीखी मकामात की तज़ीनो आराइश और मरम्मत की जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसी बेंच के एक जज ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं कि इस मंसूबे से कौमी विरासत को नुकसान पहुंचेगा, हर हाल में हेरिटेज का तहफ्फुज जरूरी है। कौमी विरसा बाद में कुछ और, जस्टिस मकबूल बाकर का इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करते हुए लिखा। मंसूबे की हद में इमारतें 370 साल पुरानी हैं। ट्रेन चलेगी तो जमीन थर थराएगी, ऐसे में कौमी विरसे को नुकसान पहुंचेगा। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री, सेंट एंड्रयू चर्च, मौज दरिया दरबार इस मंसूबे के इंतहाई करीब है जबकि लक्ष्मी बिल्डिंग तो मुकर्ररा हद के बिल्कुल साथ वाके है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मेगा प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए तमाम तवानाइयां सर्व की जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब चीफ जस्टिस साहब का और उनके पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दी और हमारे मौकफ़ को
सही जाने उसकी तायद की है। सियासी मुखालफिन थे ऑरेंज लाइन के, उनको मुंह की कहानी पड़ी और पीटीआई को खास तौर पर। जिस तरह एक कोई छुपा हुआ दुश्मन वार करता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी वो छुपे हुए दुश्मन की तरह मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे, वो खुद मौजूद थे। बदला लिया है मुझसे नहीं लिया, वो लाहौर के आवाम से लिया है, गरीब लोगों से लिया है। गरीब आवाम को वो कीड़े मकोड़े खुदा न खासा समझते हैं, वो अपने समझते हैं कि ये उनके कारिंदे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो मुजरम है इस ताखीर का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बात इलेक्शन की नहीं है, बात इस मुल्क के अवाम को एम्पावर करने की है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तो तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सियासी मुखालिफ हो। छुप कर वार करना तो बुजदिल का काम होता है। जो दलेर आदमी वो सामने आके वार करता है, वो सामने आके वार करते आप तो पकड़े गए। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाहौर के शहरी भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि 2 साल से इल्तवा का शिकार मंसूबा मुकम्मल होने से उन्हें काफ़ी सहूलत हो जाएगी। नुमाइंदा आज न्यूज़ अदनान खालिद इस वक्त ऑरेंज लाइन मंसूबे की साइट पर ही मौजूद हैं। वहाँ पर मौजूद शहरियों का क्या कहना है उनसे जानते हैं। जी अदनान जी, अगस्त 2015 में 150 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सितंबर 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने 11 तारीखी मुकामात इस मंसूबे की जद में आ जाने की वजह से इन मुकामात पर काम बंद करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हुक्मनामे को कालअदम करार देते हुए इन मुकामात पर भी काम करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से शहरियों का भी क्या कहना है और आज के फैसले के शहरियों का क्या कहना है? थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द हल हो जाएंगी और ये इससे है कि गरीब बंदे का बहुत फायदा होगा। जो यहाँ के रहायशी भी, हम उनसे भी बात करते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम था, अब क्लियर हो रहा है। आज तक काम जैसे जैसे बेहतर होगा वैसे वैसे सहूलत मैसर हो जी। लोगों को भी अब यही उम्मीदें हैं कि इस पर जल्द ही जो है वो काम मुकम्मल होगा। हम भी इस मंसूबे के पास ही मौजूद हैं जहाँ काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। हमारे पीछे हम देख रहे हैं कि रोड्स को बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा है, पिलर्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, 26 स्टेशन जो हैं वो इस मंसूबे में बनाए जाएंगे, जो कि शहरी हर इलाके के इससे इस्तेफादा हो सकेंगे। जी पंजाब हुकूमत आवाम की जिंदगियों में रंग भर रही है और सिंध हुकूमत सिर्फ तरक्याती मंसूबों के ख्वाब दिखा रही है। ग्रीन, ब्लू और येलो पर काम की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी सिंध के आवाम ये पढ़ने के आदि हो चुके हैं कि तरक्की काम जारी है, तकलीफ के लिए माज़रत ख़्वाह हैं। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन या येलो लाइन, सारे मंसूबे स्लो लाइन। कराची की तरक्की का पहिया जाम, मेगा मंसूबे मुसलसल ताकीर का शिकार। लाहौर का नक्शा बदल रहा है और कराची का हुलिया बिगड़ चुका है। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम दिसंबर तक मुकम्मल होने का दावा था, लेकिन अगर ये मंसूबा आइंदा साल भी मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है। ग्रीन लाइन का पहला फेज है सरजानी टाउन से गुरु मंदिर तक, जिसका काम अभी तक 60% हुआ है, जबकि कई दीगर मंसूबों पर तो काम शुरू ही नहीं हुआ। वजीर अला सिंध ने कहा था कि आवाम को कुछ माह इंतजार करना होगा, ताहम लगता है कि आवाम के इंतजार की घड़ियां शायद कभी खत्म ही न होंगी। मजीद अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।